एक्सिस म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा फंड हाउस है जिसके इक्विटी फंड्स ने लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन रिसेंट पास्ट में इन फंड्स के रिटर्न्स थोड़े से वीक रहे हैं। इसका मेन कारण यह है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टिंग करता है, और जैसा हमने कुछ दिन पहले रिलीज हुए वीडियो टॉप म्यूचुअल फंड्स फॉर एसआईपीस में बताया था, वैल्यू स्टॉक्स हैव डन बेटर इन द रिसेंट पास्ट, और हमारी उम्मीद यह है कि अगले कुछ सालों तक वैल्यू स्टॉक्स ही आउट परफॉर्म करेंगे। इसलिए हमारे टॉप रिकमेंडेड लिस्ट पर इस फंड हाउस के ज्यादा फंड्स नहीं आते। लेकिन अगर आप फिर भी 5 या 10 साल प्लस इन्वेस्टमेंट होराइजन से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये फंड्स अभी भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के टॉप 3 रिकमेंडेड फंड्स के बारे में बताएंगे। हम इन फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, इनके पास रिटर्न्स को देखेंगे, इनके पोर्टफोलियो पर भी नजर डालेंगे, और मैं आपको इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा, तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखेगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों को ही क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई नई वीडियो आए। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। तो जैसा मैंने बताया, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 3 एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये फंड्स हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। चलिए इन तीनों ही फंड्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में। ये फंड इक्विटीज की लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। ऐसे फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट्स प्रीडोमिनेंटली उन कंपनी से शेयर्स में करते हैं जो कि मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 में आती हूँ। ये कंपनीज जनरली बड़ी होती हैं और अपने इंडस्ट्रीज की लीडर होती हैं। इन कंपनीज के रिटर्न्स मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले कम वोलेटाइल होते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022 ₹35,702 करोड़ का था, और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.52% का। फंड का पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 27 अप्रैल ₹42.89 का था। चलिए इस फंड के पास रिटर्न को देख लें। जैसा मैंने बताया, एक्सिस ब्लू चिप फंड के रिटर्न्स रिसेंट पास में थोड़े वीक रहे हैं। फंड ने लास्ट एक साल में 11.29% के रिटर्न्स दिए वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 19.47%। 3 साल और 5 साल के पीरियड में फंड के रिटर्न्स 14.30% और 14.54% ऑन एवरेज रहे हैं। 10 ईयर पीरियड में फंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है विद एन एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ 15.32% वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 14.47%। एक्सिस ब्लू चिप फंड का इंसेप्शन जनवरी 2010 में हुआ था, और तब से फंड ने ऑन एवरेज 12.55% के रिटर्न दिए हैं। चलिए फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को देख लें। एक्सिस ब्लू चिप फंड के पोर्टफोलियो में 39 स्टॉक्स हैं। टॉप वेटेज इन्फोसिस में है विद 9.77%, उसके बाद बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक में 9.69% और 9.09% इन्वेस्टेड है रिस्पेक्टिवली। पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्टॉक्स का वेट 63.05% का है। सेक्टर वाइज फंड फाइनेंशियल में बहुत ही ओवरवेट है विद 37.38%, उसके बाद टेक्नोलॉजी और सर्विसेज में 19.36% और 8.24% एलोकेटेड है। टॉप 3 सेक्टर्स में पोर्टफोलियो के 64.98% एसेट्स इन्वेस्टेड है। फंड के वैल्यूएशन अभी भी काफी एक्सपेंसिव है। पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक रेशियो 5.19 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 32.99 का। फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 की होनी चाहिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट ₹100 की हो सकती है। इनकेस आप SIP मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं तो मिनिमम SIP अमाउंट ₹500 की होनी चाहिए। फंड में रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स एप्लीकेबल हैं। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो पहले 10% यूनिट्स पर तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। 10% के ऊपर आप जितने भी यूनिट्स बेचेंगे उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप यूनिट्स को 1 साल के बाद बेचते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। ये तो था अबाउट द एक्सिस ब्लू चिप फंड। अब आते हैं हमारे लिस्ट के दूसरे फंड पर, यह है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट प्रीडोमिनेटली उन कंपनीज के शेयर्स में करते हैं जो कि मार्केट कैप के हिसाब से 251st या उसके नीचे रैंक करती हैं। ये कंपनीज नई और छोटी होती हैं, इसके कारण इनमें रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल इन्हीं में सबसे ज्यादा होता है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022 ₹9,052 करोड़ का था, और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.95% का। फंड का पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 27 अप्रैल ₹60.88 का था। चलिए फंड के पास रिटर्न्स को देखते हैं। ये फंड हर टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मर रहा है। फंड के रिटर्न्स लास्ट एक साल में 35.29% के थे वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 32.22%। फंड ने 3 और 5 सालों के पीरियड में 29.92% और 19.73% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का इंसेप्शन नवंबर 2013 में हुआ था, और तब से फंड ने ऑन एवरेज 23.95% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं एनुअली। चलिए फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को देख लें। फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 62 स्टॉक्स हैं। टॉप होल्डिंग गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स में है विद 4.34%, उसके बाद टाटा एलेक्सी में 4.18% इन्वेस्टेड है और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में 4.16%। टॉप 10 स्टॉक्स में टोटल एलोकेशन 34.97% की है। फंड केमिकल्स में ओवरवेट है विद 16.07% इन्वेस्टमेंट, उसके बाद टेक्नोलॉजी में 14.11% एलोकेटेड है और कंस्ट्रक्शन में 8.98%। टॉप 3 सेक्टर्स में टोटल एलोकेशन 39.16% की है। फंड के वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे हैं। पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक रेशियो 4.75 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 33.65 का।
फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए की जा सकती है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की हो सकती है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपए की होनी चाहिए। अगर आप यूनिट्स को परचेज के एक साल के अंदर अंदर रिडीम करते हैं तो पहले 10% यूनिट्स पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। 10% के ऊपर आप जितने भी यूनिट्स एक साल के अंदर रिडीम करेंगे उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप यूनिट्स को एक साल के बाद रिडीम करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। अब आते हैं हमारे लिस्ट के आखिरी फंड पर, यह है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये एक ईएलएसएस फंड है। ईएलएसएस फंड टैक्स सेविंग के काम आते हैं। इन फंड्स में 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट को आप अपने इनकम से कम कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। लेकिन इन फंड्स में 3 सालों तक का लॉक इन पीरियड होता है, यानी 3 सालों तक आप इन फंड्स को बेच नहीं सकते परचेज के बाद। ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट की किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये फंड्स अपनी इन्वेस्टमेंट किसी भी कैटेगरी में या किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का एयूएम एज ऑन 31 मार्च 2022 ₹32,053 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.54% का। फंड का पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 27 अप्रैल ₹67.1319 का था। चलिए फंड के पास रिटर्न्स को देखें। इस फंड ने भी लॉन्ग टर्म में तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन रिसेंट पास में फंड के रिटर्न्स काफी वीक रहे। लास्ट एक साल के पीरियड में फंड ने 10.15% के रिटर्न्स दिए वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 20.83%। 3 और 5 सालों के पीरियड में फंड के रिटर्न्स 14.84% और 13.51% के थे। 10 ईयर पीरियड में फंड ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फंड के रिटर्न्स ऑन एवरेज 18.10% के थे वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 15.04%। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का इंसेप्शन दिसंबर 2009 में हुआ था और तब से फंड के एवरेज एनुअल रिटर्न 16.69% के रहे हैं। पोर्टफोलियो में टोटल 39 स्टॉक्स हैं। टॉप होल्डिंग पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस में है विद 10.08%। उसका टीसीएस में 8.93% इन्वेस्टेड है और एवेन्यू सुपरमार्ट्स में 8.60%। टॉप 10 स्टॉक्स में टोटल होल्डिंग 64.22% की है। फंड फाइनेंशियल्स में स्लाइटली ओवरवेट है विद 33.53%। उसके बाद सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में 15.39% और 12.63% इन्वेस्टेड है रिस्पेक्टिवली। टॉप 3 सेक्टर्स में टोटल एलोकेशन 61.55% की है। इस फंड के वैल्यूएशन काफी हायर साइड पे है। पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक रेशियो 5.90 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 27.70 का। फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए की जा सकती है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी मिनिमम 500 रुपए की हो सकती है। इनकेस आप एसआईपी मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तब भी 500 रुपए की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस फंड पर 3 सालों का लॉक इन पीरियड है तो किसी भी तरह का एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है इस फंड पर। ये तो थे हमारे टॉप 3 रिकमेंडेड फंड्स फ्रॉम एक्सिस म्यूचुअल फंड्स। अगर आपके इन फंड से रिलेटेड या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfund.in पर लिखें। इन केस आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में या पोर्टफोलियो रिव्यू करवाने में मदद चाहते हो तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए ऑन 7217746224। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए नीचे दिए लाइक बटन को जरूर क्लिक करके हमें बताइएगा। Thank you for watching ZFunds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.